एक दिन एक लोहे का टुकड़ा टूट करके सुनार की दुकान पर पहुंच गया और सोना में लोहे में आपस में बातें होने लगी। सोना कहता है, देख भाई तू दशा तेरी है, वो दशा मेरी है, तुझे तेरा मालिक पीटता है, मुझे मेरा मालिक पीटता है, और जब मैं पिटता हूं तो चिल्लाता नहीं हूं, तू जब पिटता है तो इतना चिल्लाता है क्यों? तो लोहा कहता है, फर्क केवल इतना है, तुझे मारने वाले तेरे अपने नहीं होते और मुझे मारने वाले मेरे अपने ही होते, मैं अपनों से ही पिटता हूं, जब भी पिटता हूं तो अपनों से पिटता हूं, तो फिर चीख तो निकल ही जाती है। और एक बात और है, इंसान चाहे कितना भी धनवान हो, चाहे कितना भी ज्ञानवान हो, बलवान हो, वो चारों तरफ जीत करके चलाता है और जब हारता है तो अपने से ही हारता है, क्योंकि अपनों के सामने किसी की पेश नहीं जाती है, न शस्त्र चलते हैं और न शास्त्र चलता है। तो कभी कहते हैं कि जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में और आ जाए आदमी, तो कुल वेद शास्त्र भूल जाए। ध्रुव कहते हैं, मेरी मैया अपने हैं इसीलिए तो कुछ ज्यादा लग रही। तो एक बात कही, बेटा तुम पिता की गोद में बैठने के लिए इतने व्याकुल हो, तुम उस पिता की गोद में बैठना जो सबका ही पिता है, कौन? भगवान। कहां रहते हैं भैया? बोले बेटा भगवान के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है, कड़कड़ में प्रभु का वास है। तुम झूठ बोल रही हो, क्यों? अगर मेरे पिता हर जगह रहते तो क्या दरबार में नहीं आते? बोले बेटा प्रभु का कड़कड़ में वास है। बोले मैया बता दीजिए ना, अभी तुम छोटे हो मेरे लाल, थोड़े से बड़े और हो जाओ फिर वन में भजन करने जाना, तुम्हारे पिता तुम्हें उसी जगह पे मिले। ध्रुव कहते हैं, मेरी मैया तो तुम मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? मैं अपने पिताजी से मिलने जाऊंगा। सुनीत ने सोचा, ये हमने इसे क्या बता दिया, ये नहीं मानेगा। बात को बदल के एक बात की, बेटा ये बातें छोड़ो, ये बातें हम और तुम बाद में भी करते रहेंगे, सुबह से तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया। मैया बोली, रोटी खा ले, मैं दही मांग के लाती हूँ।
तेरे पीछे और लाला मैं भूख से तड़पी जाती हूँ। तुमने भोजन नहीं किया तो मैंने भी नहीं किया, भोजन कर लो। ध्रुव कहते मेरी मैया स्वर्ग का द्वार दिखा करके अब तुम हमें नरक की तरफ खींच रही हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माता के पैर छू करके ध्रुव वहां से आगे बढ़ गए। सुनीत बैठी की बैठी रह गई। महाराज उत्तानपाद को जब ये खबर मिली है कि ध्रुव तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं, तो एक बात सोची, हमें ऐसा लगता है ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन नहीं मिलता इसलिए जा रहे हैं। कहा गांव वालों ध्रुव से जाके कह दो आज से ध्रुव और ध्रुव की माता को अच्छा भोजन दिया जाएगा, लेकिन वो जंगल में न जाए। ध्रुव से कहा तो ध्रुव ने सोचा अरे भगवान तुम्हारे नाम से ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर निकल पाए तब तो अच्छा भोजन मिल गया। बोले हम भोजन के लालच में नहीं पड़े हैं। यहां तक हुआ कि महाराज उत्तानपाद ने अपना पूरा राज्य दे दिया लेकिन ध्रुव नहीं माने। जंगल में पहुंचे और जंगल में घुस नहीं पाए, सामने से नारद आ गए। नारद ने देखा सामने पहुंच गए, बोले डर नहीं लगता, भागता चला जा रहा है, आगे जंगल ही जंगल है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, तुझे मार देंगे, तो यहां खत्म हो जाएगा तेरी मां, घर पर रो रो के खत्म हो जाएगी। क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम ध्रुव है। यहां जंगल में क्या करने आया? मैं अपने पिताजी को ढूंढने आया। अच्छा तेरे पिता जंगल में रहते? हाँ जी। किसने बताया? मेरी माँ ने बताया। अच्छा नाम क्या है तेरे पिता का? भगवान। बाजी बा बेटा हजारों वर्षों तक तपस्या किया करते हैं, भगवान के दर्शन नहीं होते, तुम यहां से चले जाओ नहीं तो जंगली जानवर तुम्हें मार देंगे। ध्रुव कहते आप कौन हो? दिखता नहीं है महात्मा हूं। लगता तो नहीं है। और क्या तुझे मैं डोंगी लगता? बोले लगता तो कैसे। क्या तुम मात चले तराए और तुम संतन पूरे से। नारद कहते हैं बेटा तुम्हें भगवान के ऊपर इतना बड़ा विश्वास,